हेलो एवरीवन, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा यूपी पीजीटी टीजीटी का, ठीक है। विषय आपका समाजशास्त्र और प्रैक्टिस सेट ये 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यूपी पीजीटी टीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस लेक्चर में आपके सुपर 20, ठीक है, सुपर 20 एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और जितने भी ग्रुप हैं आपके सभी को शेयर करें, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने जा रही है, 7 बज चुके हैं आपके। और जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और उस पिछली वाले लेक्चर में हमने 100 तक आपके एमसीक्यू करा चुके हैं, और इसमें 101 से लेकर के हम 120 तक करेंगे। तो आई होप सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, और सभी लोग लाइक ज़रूर करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमैक प्रश्न नंबर 101 पूछा, निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? ए है वर्ग, बी है सत्ता, सी है जाति, और डी आपका उपयुक्त सभी। कौन सा बंद स्तरीकरण का उदाहरण है ये प्रश्न नंबर 101 का आंसर बताएं क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सभी का आंसर राइट है, डी आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 102 पूछ रहा है, निम्न में से भारतीय समाज के सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? ए है जाति, बी है प्रजाति, सी है वर्ग, और डी आपका उपयुक्त सभी। क्या है प्रश्न? भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? जल्दी आंसर बताएं। 102 आपके सामने प्रश्न है, और हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 103 पर दो का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार होता है आपका जाति। कौन सा आधार है? जाति, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 103 स्क्रीन पर, ये रहा पूछ रहा है, धर्म में पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा किसने दी थी? धर्म में पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा किसने दी थी? आंसर आपके ए है मैक्स मूलर, बी है फ्रेजर, और सी आपका दुर्खीम, और डी है मैकाइवर एम पेज। कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने धर्म में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा प्रस्तुत की थी? 103 आपके सामने प्रश्न है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। सभी लोग सेशन को लाइक करें, और इसका राइट आंसर की बात करें तो 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सी, इमाल दुर्किम साहब ने कही थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 104 स्क्रीन पर, ये रहा पूछा, निम्न में से मेट्रोपोलिस कौन सा है? ए है कानपुर, बी है शिमला, सी है गाजियाबाद, और डी है मुंबई। कौन सा है मेट्रोपोलिस? मेट्रोपोलिस में कौन सा राज्य आता है, कौन सा शहर आएगा मेट्रोपोलिस में? प्रश्न नंबर 104 आपके सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर बताएं 104 का। सभी लोग आंसर दें, और वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया होगा शायद। और चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर है मुंबई, इज़ द डी राइट आंसर, ये मेट्रोपोलिस एरिया में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर 105 पूछा, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से क्या था? ए है 20.1%, बी है 23.7%, और आपका सी है 25.7%, और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 105 आपके सामने है स्क्रीन पर, बताना है आपको वर्ग 1991 की जो जनगणना हुई थी उसमें नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, और सभी लोग आंसर दें इसका। 105 का क्या है क्वेश्चन नंबर 105 डाल करके, ठीक है 105 डाल करके फिर आंसर दें इसके बाद, पहला है दूसरा तीसरा चौथा दो भी हो उसके बाद आंसर दिया करें, तो इससे हमें पता पड़ जाए कि आपका राइट आंसर आपने कौन से सेशन का प्रश्न का आपने आंसर दिया है, और कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होता उसमें, बस यही एक समस्या अच्छी है। 105 का आंसर हो जाएगा आपका सी 25.7%, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 106 स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है फुर्स्तीबर्ग के लिए सुप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ए है मार्शल ने, बी है मन्नार गेडल ने, और सी आपका बेबलिन ने, और डी है स्पेंसर ने। फुर्स्तीबर्ग वर्ग के लिए सुप्रकट उपभोग के लिए अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न नंबर 106 आपके सामने प्रश्न है, और आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों ने दे दिया है, और सभी का लगभग राइट आंसर ही है। 106 का सभी का बेबलिन सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 107 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? ए है किसी स्थान पर लोगों का संग्रह, और बी है दो या दो से अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से आबद्ध हों, और सी आपका किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, और डी है एक दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न नंबर 107 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, और इसका आंसर आप सभी को बताना है। लाइक की संख्या आपकी बहुत कम है, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर करें, जिससे वो भी ज्वाइन कर लें क्लास जो रह गए हैं। चलिए 107 का आंसर राइट है, इसका आंसर है सी, एक दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना ही सामाजिक समूह की विशेषता मानी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न 108 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? ठीक है, ए है गतिशीलता, बी है मुद्रा अर्थव्यवस्था, और सी है कृत्रिमता, और डी है सामाजिक समरूपता। कौन सी नहीं है नगरीकरण की समुदाय की व्यवस्था? 108 का प्रश्न बताएं क्या है, क्या हो जाएगा 108 का आंसर? बिल्कुल सामाजिक समरूपता इज द राइट आंसर। ये जो है हमारे नगरीकरण की जो विशेषता है, समुदाय की विशेषता नहीं है। और आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, ये रहा प्रश्न नंबर 109 पूछ रहा है आपके सामने है स्क्रीन पर पूछा, वर्ग का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, ए है वेद में, बी उपनिषद में, सी है महाभारत में, और डी है रामायण में। कहाँ मिलता है वर्ग का उल्लेख, किस वेद में मिलता है? प्रश्न नंबर 109 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, 109 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वेदों में मिलता है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर, ये रहा स्क्रीन पर 110। ठीक है, और 110 में क्या है प्रश्न नंबर पढ़ लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा, भारत में जातिवाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? ए है शिक्षा के क्षेत्र में, बी है रोजगार के क्षेत्र में, सी है श्रमिक संगठनों में, और डी है राजनीतिक में। कहाँ मिलता है भारत में जातिवाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? प्रश्न नंबर 110 आपके सामने है स्क्रीन पर, और 110 का सभी लोग लगभग राइट आंसर ही देंगे, और यही हमारी उम्मीद है कि सभी का आंसर हमें राइट में ही मिलना चाहिए, और आंसर सभी दिया करें, गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सभी के आंसर राइट नहीं होते हैं, कुछ लोगों के गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी सब में रहती हैं, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। 110 का आंसर आपका इस हिसाब से डी हो जाएगा, राजनीति इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हम तो यहीं बताने के लिए, और भी कोई क्वेरी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी आपके डाउट प्रश्न है वहाँ क्लियर करा दी जाएंगे। नेक्स्ट है 111 प्रश्न नंबर, पुस्तक प्रिमिटिव लॉ के लेखक कौन है? ये है रैडक्लिफ ब्राउन, बी है इवांस प्रिचन, और सी आपका मेलेनोबक्सी, डी है लेवी। प्रश्न नंबर 111 आपके सामने है, पूछ रहा है प्रिमिटिव लॉ के लेखक कौन है? 111 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर क्या है 111 का, प्रिमिटिव लॉ के पुस्तक लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है लोवी इज़ द राइट आंसर डी। और आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 112 स्क्रीन पर आपके सामने, एशियन ड्रामा ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है एशियन ड्रामा के? ए है गन्नार मेडल, और बी में आपका बी आर गाडगिल, और सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है दादा भाई नौरोजी। ए बी सी डी, बताइए राइट आंसर क्या है। एशियन ड्रामा बहुत ही फेमस पुस्तक है, यूपी पीजीटी ने कई बार पूछी है ये, और इस बार भी पूछ सकता है, तो इसलिए अपने पूरे मन से अपना पूरा 100% क्लास में दीजिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा,
और इसका राइट आंसर 112 का आंसर है ए, गन्नार मेडल इज़ द राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 113। पूरा जाति और संयुक्त परिवार व व्यवसायिक में बाधक नहीं रहे हैं, यह कथन किसका है? यह है मैके मैरियट का, बी है बी आर शर्मा का, सी है रॉबर्ट रेडफील्ड और डी है मेडल सिंगर। प्रश्न नंबर 113 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। 113 का क्या आंसर हो जाएगा? भारत जाति संयुक्त परिवार व व्यवसायिक बाधक में बाधक नहीं रहे हैं। 113 का आंसर क्या है? कौन से थिंकर इन चार में से? बिल्कुल राइट आंसर है ए, रॉबर्ट रेडफील्ड इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्या है। ये रहा प्रश्न नंबर 114। पूछा निम्न में से सही कथन कौन सा है? मैं सही कथन का पहचान करनी है। ए में है नगर बहुसंख्यक कार्यों की इकाई है जहाँ कम से कम कार्यों का एक समूह सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। बी है नगर एक स्तरीय स्तर एकत्वीय स्थान है, और सी है नगर अनेक कार्यों वाली इकाई है और इसका एक कार्य पूर्ण रूप से विकसित है, और डी में नगर संपूर्ण देश में एक रूपता का प्रदर्शन करता है। ए बी सी डी कौन सा राइट आंसर है? प्रश्न नंबर 114 आपके सामने, कौन सा कथन सही है? मैं सत्य कथन को पहचानना है, सिर्फ इसमें से एक कथन ही सत्य है और बकाया तीन गलत हैं। तो अयुब आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर बहुसंख्यक कार्यों की इकाई होती है जहाँ कम से कम कार्यों का एक समूह सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, और बकाया तीनों गलत हैं, बी सी डी राइट आंसर नहीं है हमारे। तो हमें राइट आंसर पर ही फोकस करना है और नेक्स्ट प्रश्न पर चलना है। 115 आपके सामने है स्क्रीन पर। पूछ रहा औपचारिक शिक्षा है इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य केंद्र क्या है? ए समाज, बी परिवार, और सी है रेडियो तथा टेलीविज़न, और डी उपयुक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा जानते हैं आपके, एक तो होती है औपचारिक शिक्षा जो हमें स्कूलों में मिलती है, और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमारे संस्कार होते हैं परिवार आस पड़ोस से मिलती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका डी ही जाएगा, तो डी लगा देते हैं इसको। चलिए डी आंसर राइट हो गया इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने 116 पूछा है। आदिम समाजों की दीक्षा समारोह प्रकारात्मक है क्योंकि वे यह सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य के अनुष्ठान और उनकी ही अभिव्यक्ति है। बी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की प्रधानता तथा लोक शक्ति है, और सी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा केवल मूल की परंपरागत तथा सही अभिव्यक्ति है, और डी में आपका है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की अंधविश्वासी नातेदारी अभिव्यक्ति है। ये आपके चारों आंसर पढ़ लिए हैं, और बताना आपका दीक्षा समारोह प्रकारात्मक है वे क्या है आदम समाजों में, इसका राइट आंसर बताना है। 116 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रधानता तथा लोक शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे इंस्पेक्ट करता है। 117 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। पूछ रहा है अति नगरीकरण शब्द निम्न चार अर्थों में किससे सबसे नज़दीक है? ए है तीव्र नगरीकरण, बी में आपका नगरीकरण ग्रामीण विकास की लागत पर, और सी है आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण, और डी है महानगर का उद्भव। प्रश्न नंबर 117 आपके सामने है स्क्रीन पर, और इसका आंसर आपको बताना है। सेशन को लाइक ज़रूर करें, सभी लोग ज्वाइन हुए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। और 117 का चलिए हम आंसर देते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर है सी, आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए ये रहा आपका 118। पूछा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये यूपी पीजीटी में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, और टीजीटी में भी पूछी जा चुकी है आपकी, और नेट में भी आई है ये पुस्तक, यही पुस्तक आपकी नेट में पूछी जा चुकी है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास हैं कि बी में है एस एम एस गोरे हैं कि सी ए किंग्सर डेविस हैं कि प्रभु हैं पी एन प्रभु। कौन सी किसकी पुस्तक है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 118 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है पी एन प्रभु इज़ द राइट आंसर डी। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 119 आपके सामने स्क्रीन पर। पूछा समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है
ए है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान, बी है ऐतिहासिकता तथा तुलनात्मक, और सी आपका उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्र ये विज्ञान है, तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी ने इसका आंसर राइट ही दिया होगा और सही सही दिया होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों है, व्यवस्थित की संचित ज्ञान है और ऐतिहासिकता तथा तुलनात्मकता। ठीक है, और आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ये आपका लास्ट प्रश्न है, पूछ रहा है एक स्त्री विधवा होने पर पति के भाई से विवाह करती है तो विवाह क्या कहलाता है। विवाह ए है प्रतिलोम विवाह, बी है अनुलोम विवाह, सी है देवर विवाह, डी है साली विवाह। तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, देवर विवाह इज़ द राइट आंसर सी। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर का ये सेशन आपका अच्छा लगा होगा आपको, इसमें हमने 20 MCQ डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 था, और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करें और तभी आपको पता पड़ेगा क्या क्या कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है उस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर चैनल उसको पसंद आ रहा हो लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हम साथियों आपसे दो बातें जरूर कहना चाहते हैं कि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी से के पीछे मत भागिए। ठीक है, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो नौकरी के पीछे कतई मत भागिए, केवल आप शिक्षा के पीछे भागिए, नौकरी आपके पीछे भागेगी, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी। आप सिर्फ आप एजुकेशन को देखें, आप शिक्षा को देखें, नौकरी को ना देखें, क्योंकि शिक्षा से ही नौकरी आएगी। आप शिक्षा को अपना धनुष बनाएं और उसको तीर चलाएं तो नौकरी आपके लिए अवश्य वहीं जाकर लगेगा निशाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम सेवन लेक्चर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे, और जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें।